नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अंडे की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अंडे की सब्जी बनाने के लिए देखिए, मैंने 5 अंडे लिए हैं। अब आइए इसको हम बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के लिए हमने पानी लिया है। अब इसमें हम अंडे को डाल देंगे। इसको ऑन कर लेते हैं। पहले इसमें डाल देंगे हम 5 अंडों को, इसमें डाल दे रहे हैं। देखिए, मैंने अंडों को पानी में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ये रहता है कि जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, ये ज़रूर करना चाहिए। इसको ढक के बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, अंडे की सब्जी बनाने के लिए हमने ये तड़का लिया है। देखिए, ये लहसुन 2, हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है और 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं। तो इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे। इसको हम बारीक काट लेंगे। टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हम काट के डालेंगे इसको। देखिए दोस्तों, इधर हमारा अंडा उबल रहा है अभी, और ये हमारी तैयारियाँ भी पूरी हो चुकी हैं। मैंने पेस्ट बना लिया, दरदरा अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया, प्याज काट लिया, हरी धनिया, इतनी हमारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और अंडे को उबलते भी 10 मिनट हो गया है। ये देखिए, अंडे पक चुके हैं, तो इनको हम हटा लेते हैं। दोस्तों, ये गर्म पानी अभी है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे गर्म पानी, और इसमें डाल देंगे थोड़ा ठंडा पानी ताकि आसानी से छीला जा सके। इसको इसमें डाल दिया मैंने ठंडा पानी, तो आइए इसको हम छील लेते हैं। हम छीलेंगे कैसे इसको, हम आपको बताते हैं। इसमें सिलेंगे एक अंडा, और ये गिलास है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें अंडे को हम डाल देंगे, और इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम बंद करके ऐसे 2-3 बार ऐसे करेंगे चारों तरफ। देखना कैसे अभी छील जाता है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर का छिलका रहता है ये चारों तरफ से ढीला हो चुका है। ये देखिए, अब इसको हम आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए, इसका कोई भी बच्चा इस तरह से छील सकता है। ये एक ट्रिक है। ये इसको हम आसानी से निकालेंगे। ये देखिए, पूरा का पूरा आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जिसको छीलना नहीं आता अंडा, इस तरह से आप छील सकते हैं अंडे को। अब इसी तरह हम दूसरा अंडा डाल के ऐसे हिला देंगे। ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाना है। ये देखिए, इसको भी हम ऐसे निकाल लेंगे। आसानी से निकलेगा ये। ये देखिए, इसी तरह हम सारा छील लेंगे। देखिए दोस्तों, अंडे को हमने अच्छे से सील इसको छील लिया है, कहीं से भी टूटा नहीं है। ये देखिए, ये ट्रिक आप ज़रूर एक बार आजमाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है, इस पर रख दिया है एक पैन, हम इसी में बनाने वाले हैं। तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा सरसों का तेल, दोस्तों इतना ही तेल हमें डालना है, क्योंकि अंडे को हमें फ्राई करना है। अंडे को फ्राई करने से पहले हम थोड़ा सा इसको एक चम्मच से, इस नुकीले चम्मच से हम इसको कोंच लेते हैं, ताकि अंडे जो हमारे फड़फड़ाते हैं तलने पर वो भी ना हो, और इसमें जो मसाले जाएंगे उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। इसके अंदर मसाले भी चले जाएंगे हम इस तरह से कोचेंगे। तो इसी तरह हम सारा कोच लेंगे। देखिए, मैंने सारे अंडे को कोच लिया है। कर लेते हैं, थोड़ी चीज़ें मिला लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और डालेंगे थोड़ा सा नमक। चलिए, सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं।
देखिए तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो हम अंडे को डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। अंडे को हम हल्का गोल्डन तक इनको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का गोल्डन हो जाए जब तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अंडे फ्राई हो चुके हैं, हल्का सुनहरा कलर हो चुका है, तब इनको हम निकाल लेंगे। अब यहीं पे हम तेल डाल देते हैं बनाने के लिए। देखिए तड़का लगाने के लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, ये देखिए बड़ी इलायची है एक, ये दालचीनी का छोटा टुकड़ा है, ये काली मिर्च ली है मैंने थोड़ी सी, और थोड़ा सा स्टार मसाला लिया है, इनका हम तड़का लगाएंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम डाल देंगे इसको, और डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अब डाल देंगे प्याज। प्याज को हम तड़के में भून लेंगे। देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सुनहरी होने लगी है, तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च का पेस्ट था उसको डाल देंगे। साथ में डालते हैं तो ये जो अदरक होती है ये चिपकने लगती है और प्याज को हमारी पकने नहीं देती है। अब इसको हम सुनहरा पका लेते हैं तड़के को। देखिए तड़का हमारा सुनहरा हो चुका है, तो हम डाल देंगे ये पेस्ट टमाटर का, साथ में डाल देंगे ये नमक स्वाद के अनुसार। टमाटर हमारा पक चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे मसाले, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे कश्मीरी मिर्च, एक चम्मच डाल देंगे मीट मसाला। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। मसाले को हम अच्छे से पका लेते हैं, जितना अच्छा मसाला हमारा पका रहेगा उतनी टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनेगी। मसाले को थोड़ा ढक के पका लेते हैं, इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है वरना मसाले जल्दी जल जाएंगे और पकेंगे नहीं। आइए हम देख लेते हैं, ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है। इसमें डाल देंगे हम ये अंडे जो मैंने फ्राई कर रखे थे, थोड़ा सा इसको ऐसे चला देंगे, इसमें मसाले में मिला देंगे और इसको एक मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। एक मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे पानी, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट बनाया था तो यही पानी मैंने इसमें खंगाल के डाल देते हैं। पानी मैंने डाल दिया है, तो आइए इसको हम 5 मिनट ढक के पका लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया है और हमारी ये अंडे की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, कटोरे में निकाल लेते हैं। यह बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, एक बार आप इस तरह अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एवं कमेंट करना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी अंडे बनाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।